नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स के वीडियो कोर्स के अंदर। तो आज मैं करदम रावल आज के इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF। तो इंडिया के अंदर जो भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसके कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रो किया जा सके, तो वो कहाँ से आता है, कैसे होता है, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, और जो NIIF तो है जो उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, क्यों हुई थी, ये किन फील्ड्स के ऊपर काम करेगा, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज जो है हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरे लेक्चर के दौरान हमारे साथ। और ये जो वीडियो है आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है इन एसोसिएशन विथ UPSC IAS एग्जाम। तो UPSC IAS एग्जाम हमारा YouTube चैनल भी है जहां पर आपको द हिंदू एडिटोरियल, द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर और वेरियस डायनामिक टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल से शुरू करते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NIIF। तो प्रोजेक्ट जैसे इंडिया के अंदर होते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेलवे, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है उसके लिए लगता है पैसा। तो पैसा जो है वो कैसे आता है, तो पैसे को लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई चीज़ अनाउंस की जिसको नाम दिया नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2015 के बजट के अंदर। तो ये जो फंड है वो सेटअप किया गया दिसंबर 2015 के अंदर। और यहाँ पे फंड जो है इसका काम ये है कि भाई नेशनली और इंटरनेशनली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बुलाया जाए। तो इसका आपको क्या बेनिफिट मिला है ये मैं आपको बता दूँ। भाई स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे सिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हुए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके साथ इंडिया के काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं और यहाँ पर जो ट्रेड बढ़ा है। फिर हाई स्पीड रेलवे के लिए आपको पता है कि बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया में आने वाली है। इवन जो मेट्रो का काम है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, बहुत सारे सिटी के अंदर अब जो मेट्रो आने वाली है। और यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है उन्होंने इंडिया के अंदर अब तक जो है 2.1 बिलियन तक का पैसा जो है यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया है और 200 मिलियन की अभी हाल ही में ग्रांट मिली है जून के अंदर। तो जून 2018 के अंदर भी इंडिया को जो है AIIB से बहुत सारा फंडिंग मिलने वाला है। तीसरी बात यह है कि एशिया के अंदर जो इंडिया है स्पेसिफिकली वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल माना जाता है। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जाइए एक इंडिया करके कंट्री है वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, आपको डेडिकेटेड और गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच लिया कि भाई इंडिया के अंदर जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इश्यू विथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडिया के अंदर, आप सबको पता है कि बात बहुत हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी के अंदर डेवलप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो गवर्नमेंट भी समझती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाहिए कि फाइनेंस यानी कि पैसे। तो पैसे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, छोटे छोटे लिए नहीं कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने लोन ले ली या 15 साल के लिए लोन ले ली। यहाँ पर जो लोन का टाइम फ्रेम होता है वो बहुत लंबा होता है, 30 साल 50 साल वाली लोन चाहिए हमको और जो अमाउंट है लोन की वो भी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर जो है हमें बैंक से अब तक जो पैसे मिलते हैं वो 10.4% पैसे जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंकों से भी मिलते हैं, 2015 का ये नंबर है। तो यहाँ पर जो है बैंक्स जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर वो बड़ी बड़ी अमाउंट की लोन देने लगेगी तो उनके ऊपर दो तरीके से यहाँ पर प्रेशर बनेंगे, एक होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के प्रेशर, दूसरे होंगे स्ट्रेस असेट्स के प्रेशर। तो यहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है उसका आज जो बोझ है इंडियन बैंक्स के ऊपर वो 4.5% का है और स्ट्रेस असेट का जो बोझ है वो 11% का है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से फोर्स करती है कि भाई जो फाइनेंसिंग पोर्टफोलियोस और जो प्रोजेक्ट है तो ये बहुत ही वेल डिज़ाइंड होने चाहिए, वेल मैनर्ड होने चाहिए,
तो इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दी एनआईआईबी स्कीम 2015 के अंदर अपने बजट में। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसका निर्माण होता है दिसंबर 2015 के अंदर, और ये जो फंड है वो स्पेसिफिकली दो जगहों पे मेनली काम करेगी, नेशनल हाउसिंग बैंक और दूसरा है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा फंड्स यहाँ पर अभी लाने की कोशिश करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक और आईआरएफसी। तो आने वाले 20 साल के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर जो है इस फंड को वेल मैनेज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ट्राई की जाएगी। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसको स्टडी करते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और कैसे इसकी जो है स्ट्रक्चर है इसकी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका काफी सिंपल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बना है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का काम करेगा इंडिया के अंदर। यहाँ पर इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको भी इनको अप्रूवल मिली है, एनआईआईएफ को जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वहां से भी अप्रूवल मिली है। दूसरी बात, ये जो है एक लिमिटेड कंपनी के तौर के ऊपर काम करेगी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। यहाँ पर इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट जो मैनेज करना है वो मैनेज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर इनिशियली जो है गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए जो है बजट से इसको देने वाली है और प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि और आने वाले समय के अंदर 20,000 करोड़ जो है प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से आएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो 49% और स्पेसिफिकली कहे कि अंडर 50%, तो एग्जैक्ट नंबर है कि 49% हर बार जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तो 49% से कम ना तो 49% से ज़्यादा हर बार इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आएगा। तो क्या ये स्टाइल प्रोजेक्ट्स के अंदर ही काम करेगी या फिर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करेगी? तो भाई इंडिया के अंदर एनआईआईएफ जो है वो हर तरीके का जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर काम करेगी, वेदर दैट इज स्टाइल प्रोजेक्ट्स और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो स्टाइल प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो दोनों के बारे में डिटेल से आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर नोट लिखने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर एनआईआईएफ के अलावा दो एनआईएफ भी है। तो एक एनआईएफ का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, दूसरा है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और तीसरा है जो हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो कहीं पर भी मिसकंसेप्शन ना हो जाए इसलिए वहां पर नोट आपके लिए लगा दी है। तो यहाँ पे जो है एनआईआईएफ जो है वो फंडों का फंड है, जैसे आरबीआई बैंकों की बैंक है, बैंकर्स बैंक, तो उसी तरीके से ये फंडों का फंड है, सभी फंड्स यहाँ से ही इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हर तरीके के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये फंडिंग करेंगे, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो या फिर स्ट्रेस असेट्स के फंडिंग्स हो, तो हर तरीके का फंडिंग यहाँ पे एनआईए के माध्यम से हो जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा? पहले तो यहाँ पर 40,000 करोड़ का यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दो और बातें हैं, एक तो है कि भाई जो ये फंड है वो 10 times कॉर्पस इसको इंक्रीज किया जाएगा या तो फिर 2,00,000 करोड़ जो है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ पर फंड रेज करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आ रही है? दो जगह से आ रही है, मेनली आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरा है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये जो है वो मेन अभी फंडिंग करने का एक माध्यम है एनआईआईएफ के अंतर्गत। और यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कैन देन लिवरेज देयर एक्स्ट्रा इक्विटी मैनिफोल्ड्स। तो इसके बाद जो है अलग अलग तरीके के काफी सारे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आने वाले हैं। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, व्हाट विल इट डू, ये एक मेन क्वेश्चन है जिसके अंदर डिटेल से हमको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या करेगा और किस तरीके से ये काम करेगा। तो इक्विटी और कैपिटल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, दे आर एंगेज मेनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। दिस इंस्टीट्यूशन विल बी एबल टू लेवरेज देयर इक्विटी सपोर्ट एंड प्रोवाइड डेट टू द प्रोजेक्ट सिलेक्टेड।
तो यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पैसा दिए जाएंगे जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के काम के ऊपर फोकस करेंगे ताकि जो है इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। दूसरा पॉइंट, इन्वेस्ट इन फंड एंगेज्ड मेनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड मैनेज बाय असेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर इक्विटी और क्वाशी इक्विटी फंडिंग ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी इवन असेट मैनेजमेंट कंपनी भी यहाँ पर जो है काम करना चाहती है, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ये वर्क कर रही है तो इनको भी फंडिंग यहाँ से मिलेगी। प्रोवाइड्स फंड डायरेक्टली टू कॉमर्शियली प्रोजेक्ट्स बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड, तो ये समझना है, इंक्लूडिंग स्टेल्ड प्रोजेक्ट्स। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड सम की ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट could be taken up initially by the NIIF for funding। यहाँ पे जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है वहां पर भी NIIF का फंडिंग गया है। तो समझने वाले पॉइंट्स है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्या है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो है जो एकदम से नए प्रोजेक्ट्स है, यानी कि वहां पर कुछ था नहीं और अभी जो है जीरो से काम शुरू होने वाला है। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो है जहां पर कहीं ना कहीं पहले कुछ था, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के रिगार्डिंग हो या फिर कोई भी और जो लैंड है वो कहीं और तरीके से यूज हो रही हो, लेकिन यहाँ पर जो है उसके अंदर भी फंडिंग दी जाएगी ताकि जो है यहाँ पर नई नई चीजें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप हो सके। तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हाल ही के अंदर 2017 के एंड में गुजरात के अंदर इलेक्शन हुए तो उनके मैनिफेस्टो के अंदर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ये कहा कि हम जो है नई 3300 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश करेंगे जिनका वहां पर नाम है GIDC। तो उनको फंड करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पैसे देगी, NIIF के माध्यम से गुजरात के अंदर 3300 नई GIDC एस्टैब्लिश करने के लिए जो पैसे मिलेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया ब्राउन फील्ड का। और ग्रीन फील्ड का आपको जो एग्जांपल चाहिए तो ग्रीन फील्ड का एग्जांपल वो है कि जिस जगह पे कुछ चीज है ही नहीं वहां पर नया जा कोई डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर जो नई चीज़ वहाँ पर एस्टैब्लिश और सेटअप की जाती है, तो ये एग्जांपल होता है ग्रीन फील्ड का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन अगर देखें कि ग्राफिकली देखें कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है NIIF का, तो उसके अंदर देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20,000 करोड़ तक का पर एनम यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। फिर आएंगे एंकर पार्टनर्स जो मल्टीलेटरल और बायलेटरल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करेंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड आएंगे, पेंशन फंड्स आएंगे और जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशन से, ये सारे इक्विटी के माध्यम से और डायरेक्ट माध्यम से कॉर्पस के माध्यम से ये पैसे लगाएंगे मार्केट बोरिंग जो करता है NIIF वहां पर। तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड एज अ ट्रस्ट और अदर लीगल एंटिटी, गवर्निंग काउंसिल फॉर ओवरसाइट, सेपरेट लीगल एंटिटी इफ रिक्वायर्ड, काउंसिल मेंबर इसके अंदर होंगे NIIF के गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे NIIF का इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जो सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट टीम एंड और फंड मैनेजर्स, तो यहाँ पर ये लोग भी इसके साथ इंक्लूड होंगे। तो ये जो पैसे आएंगे एंकर पार्टनर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मार्केट बोरोइंग से, तो जो इक्विटी और डेप से जो पैसे बनेंगे वहां से कहां और कहां कहां पर फंडिंग की जाएगी, असेट मैनेजमेंट कंपनी चाहे वो 1, 2, 3 कोई भी हो, स्टेल प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगेंगे इंक्लूडिंग ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगेंगे और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पैसे लगाए दिए जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पर जो पर्पस है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, बाद का जो पर्पस होगा वो इन्वेस्टमेंट का होगा। और इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके अंदर जो खर्चा लगता है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसी से जो है इकोनॉमी भी जो है ग्रेटर स्पीड से बूस्ट अप होगी और आगे बढ़ेगी। तो वर्किंग कैसे है इसकी NIIF की, द फंड इज टू बी सेट अप एज अ ट्रस्ट, इट इज रजिस्टर्ड विद सेबी एज कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑन डिसम्बर 28th of 2016। तो AIIF क्या है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, AIIF क्या है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। NIIF would raise fund by issuing offshore credit and has bonds and also tap into anchor investor. Anchor investor वो होते हैं जो core stone investor are mark institutional investor like sovereign wealth fund, mutual fund, etc.
तो यहां से जो पैसे आते हैं ये लोग जो है एंकर इन्वेस्टर माने जाएंगे, और सॉवरेन वेल्थ फंड है ये स्टेट ओन फंड, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर फंडिंग करना चाहती है वो मेनली यहाँ पर IRFC और NHB से तो पैसे आने ही आने हैं, और एंकर इन्वेस्टर और सॉवरेन वेल्थ फंड से भी यहाँ पर फंडिंग आएगी। तो ये दोनों जो फंड आएंगे उसको स्पेसिफिक उनके अरीना के अंदर ही यूज किया जाएगा, यानी कि स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिहाज से, और जो स्पेसिफिकली जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड से जो पैसे आते हैं वो हाउसिंग लोन के लिए भी यहाँ से दिए जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको स्पेसिफिक स्ट्रीम के अंदर ही यूज करना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द कोर पार्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इसको यूज करना है। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमाइज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ईच रूपी स्पेंड, एक एक पैसा जो खर्च हो रहा है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पता करके उसको खर्च करना है, ताकि आने वाले समय के अंदर उस इन्वेस्टमेंट से जो है रिटर्न मिल सके, मेनली थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कॉमर्शियल वायबल प्रोजेक्ट, बोथ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड इंक्लूडिंग स्टाइल प्रोजेक्ट विल बी फंडेड फ्रॉम दिस NIIF स्कीम। इट could also consider other national important projects, for example in manufacturing if commercially viable। तो manufacturing के activity के अंदर भी ये काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर चीज ये है कि commercially ये चीजें viable होनी चाहिए, market को खराब ना करते हुए, even government जो है इसको इससे फायदा होना चाहिए, तभी ये काम इसके field के अंदर करेगी। तो फंक्शंस क्या है, पहला तो इसका फंक्शन है कि फंड रेज करना है, ताकि जितना ज्यादा फंड होगा उतना बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा है सर्विसिंग, जो इन्वेस्टर्स है उनके रिगार्डिंग ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी है, तो सर्विसिंग इसका दूसरा पॉइंट है। कंसिडरिंग एंड अप्रूविंग कैंडिडेट कंपनीज, तो यहाँ पर उन कंपनीज को, उन इंस्टीट्यूशंस को और उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अप्रूव करना है, जिससे कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रीम में जा रहा है ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता हो। उन सारी कंपनीज को, सारे कैंडिडेट्स यानी कि इंस्टीट्यूशंस या फिर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना है। दूसरी बात है असेट मैनेजमेंट कंपनीज को यहाँ पर प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर इन लोगों को भी फंड्स प्रोवाइड कराने हैं, ताकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रो हो सके और जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज है वो भी कुछ निखर कर रंग ला सके। प्रिपेयरिंग ए शेल्फ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज, तो इसके साथ एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो आपका पता ही है कि यहाँ पर जो है फंडिंग्स NIIF के माध्यम से इनको मिलेगी। फिर मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमें अब तक पता नहीं चला कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या है, तो देख लेते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो सबसे पहले स्टडी करते हैं, उसके पहले जो लिखे हुए पॉइंट है वो बाद में रीड आउट करेंगे। AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल वॉज एस्टैब्लिश टू पूल इन फंड फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी एंड हेज फंड्स। तीन फील्ड के अंदर जो है इसका इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड और रियल एस्टेट। टिल नाउ इन इंडिया पूलिंग ऑफ कैपिटल वाज अलाउड ओनली फॉर इंडियन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टमेंट वाज डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड पॉलिसी। हाउएवर सिलेक्टिवली अप्रूवल रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट वर यूज बाय ओवरसीज इन्वेस्टर एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये पहले की बात है, लेकिन आज जो है FDI जो है 100% अप्रूव हो गया है यहाँ पर, तो AIF के माध्यम से FDI भी अभी वेलकम है। तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी डिटेल्स ले लेते हैं AIF के अंदर, यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर। आर प्रिलिमिनरी एम्ड एट हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल एंड अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल इज 1 करोड़, यानी कि एक इंडिविजुअल बहुत ही नामचीन विदेश के अंदर बहुत अमीर है तो वो 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मिनिमम है दोस्तों, 1 करोड़ तो मिनिमम लाने हैं। द ओवरऑल कॉर्पस ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड शुड बी एटलीस्ट 20 करोड़ एंड देयर शुड नॉट बी मोर देन 1000 इन्वेस्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर नहीं होने चाहिए और 20 करोड़ तक की यहां पर जो है लिमिट रखी गई है। ऑल्सो द फंड मैनेजर और प्रमोटर शुड हैव कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 2.5% और 5 करोड़ विच एवर लेस टू द इनिशियल कैपिटल। तो इनिशियल कैपिटल की कैटेगरी भी यहाँ पर डिस्क्लोज कर दी है,
तो यहां पर एनआईआईएफ जो है ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये मोर देन अ फंड है, और यहाँ पर स्ट्रेस असेट फंड, रिन्यूएबल एनर्जी फंड, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, स्ट्रेस असेट्स के बारे में सारी चीजें जो है एनआईआईएफ इंक्लूड कर लेता है। एनआईआईएफ का एस्टैब्लिशमेंट जो है ये एआईएफ के भी अंतर्गत हुआ है, यानी कि एआईएफ जो है ये एनआईआईएफ के इंक्लूडिंग ले लिया गया है अकॉर्डिंग टू द सेबीज रेगुलेशन ऑफ 2012। There are three categories of AIF depending upon their effects on the economy. तो category one है, यहाँ पर positive spillover on the economy and may get concessions from the regulator or the government. This includes venture fund, social venture fund and infrastructure fund among others. तो हमने आपको पहले ही बताया था, पहले के lectures में हमने venture capital fund और venture fund क्या है वो discuss कर लिया है। तो उसी तरीके से अगर कोई वेंचर फंड सोसाइटी या फिर जो एनजीओ है उसके साथ मिलके आता है तो वो सोशल वेंचर फंड हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो फंड होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है। कैटेगरी टू के अंदर आता है प्राइवेट इक्विटी फंड एंड डेट फंड एंड डू नॉट गेट एन कंसेशन। These cannot raise debt for investment purpose but can do so to meet their day-to-day operational requirements. तो कैटेगरी टू है, वहां पर कोई कंसेशन नहीं मिलता है लेकिन डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसे चाहिए वो मिल जाते हैं, वो अपने आप मैनेज करते हैं क्योंकि फंड जो है वो लोग रेज नहीं कर सकते। और कैटेगरी थ्री है, यहाँ पर हैज फंड एंड यूजली ट्रेडेड टू मार्क शॉर्ट टर्म रिटर्न। तो आपको हैज फंड जो है वो वर्ड पहले की स्लाइड में भी आया है। तो हेज फंड जो है वो क्या है, हेज फंड वो है, हेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई एक एक्टिविटी की है या ट्रांजेक्शन किया है जिससे कि आपको हो रहा है लॉस, तो उस लॉस को जीरो तक लाने के लिए, यानी कि 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं, अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी प्राइस बोल रही है मार्केट के अंदर 80 रुपीज, तो आपको यहां से आपको पता चलेगा कि भाई ने 100 रुपए लगाए थे तो उसकी प्राइस अभी 80 रुपए हो गई है तो मुझे 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो उस 20 रुपए के लॉस को आपको फिर से 100 तक पहुंचाने के लिए आप फिर से जो नया सा इन्वेस्टमेंट करोगे ताकि जो उसकी प्राइस जो है वो 100 तक पहुंच जाए, यानी कि आपको जो है ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, इक्विलिब्रियम वाला स्टेट आपका मेंटेन रहे, तो उसके रिगार्डिंग जो आप दूसरी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस अमाउंट को बोलते हैं हेज। तो हैज करने के लिए भी फंड चाहिए, तो हैज फंड कैटेगरी थ्री के अंदर आते हैं। इफ सेट अप एज कैटेगरी वन एंड टू ए आई एफ देन एन आई आई एफ विल बी एलिजिबल फॉर पास थ्रू स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर एनआईआईएफ जो है कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के रिगार्डिंग वर्क करेगा तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर इन लोगों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन पास थ्रू स्टेटस मीन्स that the income generated by the fund would be taxed in the hand of ultimate investor and the fund itself would not have to pay tax on the same. yani ki pass through us tarike se milega ki uske upar koi tax nahi bharna hai, jo investor ho raha hai ultimate investor jo hai unhi ke haath mein sare jo paise hai wo jayenge aur wahi investor jo hai wo investor hi khud jo hai यहाँ पर टैक्सेबल किया जाएगा, ना कि जो पूरा फंड जनरेट होता है या फिर फंड से जो इनकम जनरेट होती है वो, जो पैसा इन्वेस्टर के पास एज अ रिटर्न जा रहा है वहां पर टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पर इनकम टैक्स से बचने का जो रास्ता है वहां पर भी इन लोगों ने कैप तो वहां पर भी लगाई है, यानी कि चार्ज करेंगे ये लोग इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, इन द केस ऑफ कैटेगरी थ्री, तो हमने बात की कि वन और टू के अंदर होता है तो क्या होगा, तो कैटेगरी थ्री जहां पर हेज फंड है वहां पर आते हैं तो क्या होगा, where pass through status is not available all income received by NIIF will be taxed as it level and any distribution made to its unit holder yani ki investor would be tax exempt. to yahan par hedge ho raha hai to bhai jo tax exemption mil raha hai wo investor ko mil raha hai yani ki NIIF jo hai wo chargeable ho jayega. yahan par NIIF jo hai category 2 ke andar establish hua as a trust under Indian Trust Act on 28 December 2015 along with the formation of National Investment and Infrastructure Fund Trustee Limited, जहां पर IDBI, आपने पता है, आपको पता ही होगा IDBI, Industrial Development Bank of India Capital Market Service Limited as advisor to NIIF Trustee Limited for 1 year initially, and यहां पर जो कंपनी है ट्रस्टी का काम जो है वहां पर
आईडीबीआई की कैपिटल मार्केट सर्विस लिमिटेड यहाँ पर इनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और जो एनआईआईएफ लिमिटेड है जो कंपनी है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म है IIFCL, ये जो है इसको अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए पहले 6 महीनों के लिए। तो अभी जो टाइम फ्रेम है वो 6 महीने का और 1 साल का खत्म हो गया है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई किनको एडवाइजर रखा था, ट्रस्ट वाले अंदर, ट्रस्ट वाले एनआईआईएफ फंड ट्रस्टी लिमिटेड के अंदर, और जो कंपनी बनी है एनआईआईएफ फंड लिमिटेड एनआईआईएफ लिमिटेड उसके अंदर किसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भूमिका अदा करने के लिए यहाँ पर रखा गया था। तो गवर्नमेंट की जैसे हमने बात की कि पहले 20,000 करोड़ हर साल के लिए इन्वेस्ट करेगी और 20,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर्स के आएंगे, और हर चीज के अंदर गवर्नमेंट जो है 49% जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि 49 से एक पॉइंट कम भी नहीं, एक पॉइंट ज्यादा भी नहीं, हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो 49% इन्वेस्ट करेंगे। बाकी का जो पैसा है वो क्वाशी सॉवरेन मल्टीलेटरल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट असेट मैनेजमेंट कंपनी से और जो एंजल इन्वेस्टर्स से वहां से भी यहाँ पर पैसे आएंगे। तो अगर कैश रिच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जैसे कि इंडिया के अंदर कैश रिच कैपिटल जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसके अंदर आते हैं रिलायंस, टाटा, बिरला, वैसे अदानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, तो अगर वो भी इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर 49% जो है गवर्नमेंट का मार्क है, उसके अलावा के जो 51% है वहां पर ये लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो पैसा यहाँ पर आएगा उसको स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें कि गवर्नमेंट की जो है पेंशन एंड प्रोविडेंट की भी फंड होती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड होती है, तो वहां पर भी जो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़े हैं तो उस अमाउंट को भी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। ये पूरा जो पैसा यहाँ पर आएगा और उसका इन्वेस्टमेंट जो होगा ये किसके तहत होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू मैच डिफरेंट इन्वेस्टर्स प्रेफरेंसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है यानी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये इसको हेड करेगी और ये डिसाइड करेगी कि जो आए हुए पैसे उसको किस तरीके से यूज करना है। इवन यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट फंडिंग भी हो सकती है एनआईएफ के अंदर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फंडिंग ही होगी, तो नॉन गवर्नमेंट फंडिंग इंडिया के बाहर से भी कहाँ से आ सकती है, तो भाई रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रूस नैनो, तो उन्होंने 2 फरवरी 2016 को जो है हाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट इक्विटी फंड इंडिया के अंदर भेजा और उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडियन प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये डायरेक्टली आ गया एनआईआईएफ के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने हाई टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश इन लोगों ने की है। फिर इसके बाद और कोई कंट्री ऐसा है जिन्होंने इंडिया के अंदर एनआईएफ के अंदर अंतर्गत कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, तो जी हाँ, सोवरेन वेल्थ फंड के अंतर्गत यहाँ पर रशिया के बाद आया सिंगापुर, जिसने 40,000 करोड़ का नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद भी अगर हम देखें कि क्या इसके बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं और कंट्रीज से फायदा हुआ है, जी हाँ, यूएई जो है यानी कि जो लिटिल स्पार्टा के नाम से जाना जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसके साथ हमने एमओयू साइन किया था, और उस एमओयू की वजह से इंडिया के अंदर $75 बिलियन का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर। तो तीन चीजें याद रखनी है, रशिया आया, रशिया ने इंडिया के अंदर एनआईएफ के अंदर इन्वेस्ट किया, नंबर नहीं पता है, फिर है सिंगापुर, सिंगापुर जो है उन्होंने 40,000 करोड़ इंडियन रुपीज इन्वेस्ट किए, और जो लिटिल स्पार्टा है यूनाइटेड अरब अमीरात उन्होंने $75 बिलियन का यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर। तो एनआईएफ का गवर्नेंस किस तरह से होता है, इसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको पूरा ओवरव्यू होना चाहिए। तो इसको गवर्न करने के लिए गवर्निंग काउंसिल की रचना की जाती है जिसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो एक्सपर्ट इंटरनेशनल फाइनेंस के नॉलेज हकदार होते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, उनको इमिनेंट इकोनॉमिस्ट को यानी कि बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो इंडिया के या फिर वर्ल्ड के हो उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोफेशनल्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड के अंदर जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट नॉलेज रखते हो उनको ये सारे जो लोग हैं, उसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स है वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे।
तो यहाँ पर जो है द टर्म एंड पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ द एनआईएफ विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट खुद तय करेगी कि जो भी यहाँ पर अपॉइंट हुआ है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑफ द फील्ड फ्रॉम द डिस्कस इन द फर्स्ट पॉइंट, तो उनको टाइम फ्रेम कितना होगा. उसके बाद जो है जो ट्रस्ट और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है काम करने के लिए रखा जाएगा. उसके बाद ये जो हेड होते हैं गवर्निंग काउंसिल के वो कौन होंगे. ऑब्वियसली ये जो एनआईएफ है ये काम करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के अरुण जेटली. इसके अलावा यहाँ पर उनके सचिव यानी कि उनके सेक्रेटरी जो इकोनॉमिक्स अफेयर के सेक्रेटरी है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो यहाँ पर डिटेल्स अरुण जेटली को प्रोवाइड कराते हैं वो. इसके अलावा एसबीआई के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य और फॉर्मर इंफोसिस के एग्जीक्यूटिव टीवी मोहनदास पाई और हेमेंद्र कोठारी जो है ये इसकी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर है. इसके अलावा यहाँ पर एनआईएफ विल बी सपोर्टेड बाय वन और मोर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीए. सीईओ आपको पता ही होगा कि भाई मेजोरिटी केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि भाई सीईओ एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर सीईओ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कि भाई उसके रिगार्डिंग हम सीईओ रखेंगे कि भाई कितने प्रकार के एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत है. तो जितना एक्सपर्ट स्टाफ यहाँ पर नीडी होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सीईओ जो है अपॉइंट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और यहाँ पर जो सैलरी है ये मार्केट के लिहाज से इनको दी जाएगी ना कि गवर्नमेंट के लिहाज से. इट वुड बी पॉसिबल फॉर एनआईएफ गवर्निंग काउंसिल टू अपॉइंट वन और सेवरल फंड मैनेजर्स. तो फंड मैनेजर्स भी यहाँ पर एक से ज्यादा होंगे क्योंकि अमाउंट जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है, तो इसको फंड को मैनेज करना और पूरा हिसाब किताब रखना ये भी एक इजी टास्क नहीं होगा. तो पूरी ऑटोनोमी जो है वो प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दी जाएगी. और यहाँ पर एनआईएफ वुड फॉर्मुलेट गाइडलाइन एंड वुड फॉलो ड्यू प्रोसेस फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ए असेट मैनेजमेंट कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है सबके लिए गाइडलाइंस भी रखी जाएगी. तो अंत के अंदर हमें ये इस लेक्चर के अंदर से पॉइंट आउट करके निकालना है कि भाई गवर्नमेंट जो है अपने फाइनेंशियल इश्यू के रिगार्डिंग जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ग्रो करने के लिए अब जो इन्होंने एनआईएफ बना दिया है तो अब जो है कोई ऑब्स्टेकल नहीं है. तो गवर्नमेंट को अब जो है अपना जो लेबर लॉ रिजाइम है इसको स्ट्रेंथन करना है और जो है स्किल्ड लेबर फोर्स है उसको इंक्रीज करना है. और जो प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग और अदर क्लियरेंस इश्यू इसको सोल्व करना है. अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो इंडिया के अंदर जो है खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी और जो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा ताकि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, स्टार्टअप इंडिया जैसा इनिशिएटिव है वो सक्सेसफुली काम करेगी. तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो भाई ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक दफा हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के एस्टैब्लिशर और फाउंडिंग मेंबर थे उनको पूछा गया कि भाई अमेरिका जो है वो इतना डेवलप्ड क्यों है, इतना आगे कैसे बढ़ गया. तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपने देखा रोड अच्छे हैं अमेरिका के, तो क्या हाँ, तो क्या आपने जो देखा कि रोड अमेरिका के अच्छे हैं वो इसलिए अच्छे नहीं है कि अमेरिका जो है वो डेवलप कंट्री है. अमेरिका इसलिए डेवलप कंट्री है क्योंकि अमेरिका के जो रोड्स हैं वो डेवलप है. और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सारी चीजें जितनी डेवलप्ड होगी उस उसी के रिगार्डिंग जो है इकोनॉमी जो है वहां पर फास्टर मूव होगी और जितनी इकोनॉमी फास्टर मूव होगी उतना जो है कंट्री अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड के लिस्ट के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो जल्दी से काटता हुआ आगे बढ़ता जाएगा. तो इसीलिए कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अब जब एनआईएफ आ गया है और उसके अंदर भी जो भी ड्रॉबैक्स है उसको निकाल के जो भी इश्यूज है वो सॉल्व आउट करके अगर वर्क करता है तो इंडिया के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा, तो इकोनॉमी जो है बूस्टअप होगी और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग एक्टिविटीज करने के लिए पूरे विश्व से अलग अलग कंपनियां यहां पर आने के लिए दौड़ लगाएगी और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोजेक्ट भी बहुत ही खूब रंग लाएंगे. तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय. थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग.